आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे, यहाँ ना स्कूल है, ना बच्चे हैं और ना ही किसी तरीके की स्कूल की कोई बिल्डिंग है। आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शाहजहाँपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल में बच्चों के नाम से लाखों रुपये की छात्रवृत्ति निकाल ली गई। जब मिशन की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो गाँव में ना ही स्कूल मिला, ना ही स्कूल की बिल्डिंग और ना ही स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा मिला। अब इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। इस पूरे घोटाले में विजिलेंस की टीम जांच कर रही है। हालांकि इस जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। शाहजहाँपुर में छात्रवृत्ति घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के मिर्जापुर ब्लॉक में स्थानीय लोगों ने पिछले एक दशक में अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में घोटाले की शिकायत के बाद नकल माफियाओं के लिए बदनाम रह चुके कलान और मिर्जापुर ब्लॉक की पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। दरअसल मिर्जापुर ब्लॉक के चितराऊ गाँव के लोगों ने इस गाँव के सूरज वाली स्कूल में पिछले एक दशक से अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बड़े गोलमाल की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि सूरज बली नाम का कोई भी स्कूल हमारे गांव में नहीं है, लेकिन कागजों में चल रहे इस स्कूल में अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली लाखों रुपए की स्कॉलरशिप निकाली गई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि चितराऊ और आसपास के गांव में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या भी नाम मात्र है। अब तो पहले बताओ तो चल रहा, लेकिन इस बात कुछ मालूम नहीं कहूँ के मालूम हो हमें कहूँ ना। कितने साल से नहीं चल रहा है? दो तीन बस पहले बच्चा चाहिए, बारह साल मड़ियाने बैठे स्कूल कछू ना, बिल्डिंग विल्डिंग यहाँ कछू ना है कोई चीज़। तो कौन चला रहा था स्कूल पहले? आई थे लड़का जी प्राइवेट वाले जो बैठे पढ़ाओ तो पढ़ू थे बेक लगाए थे भाई गोपाल उपाल लगाए और कौन लगाए हुए तो बाल सवाले ने भाई लगाए। तो किस नाम से चला रहे थे गोपाल स्कूल? स्कूल तो चलाओ सूरज बली के नाम से। बच्चा अच्छा कछू ना भाई जा तो मैंने सुनी एकदम है मुसलमान है बच्चा हमारे यहाँ मुसलमान कोई ना कोई मुसलमान हमारे एक वोट गांव पंचायत भरे वोट ना मुसलमान कोई ना। यहाँ सूरज बली के नाम से कोई स्कूल नहीं चल रहा है, केवल कागजों में चलता है और वजीफा निकल जाता है और कोई यहाँ पे स्कूल विस्कूल कुछ नहीं है, ना दीवार है ना कुछ है। कितने साल से नहीं है स्कूल यहाँ? कम से कम 10 सालें हो गई होंगी। तो कौन चला रहा था स्कूल? स्कूल गोपाल वर्मा चला रहे थे, अब तो कहाँ यहाँ कुछ है ही नहीं, केवल कागजों में चलता है। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार को नुकसान दिया जा रहा है? सरकार को नुकसान दिया जाता है, उसका वजीफा अल्पसंख्यक वाला निकल जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक हमारे गाँव में कोई है ही नहीं, मोहम्मदन वोट नहीं है एक भी, वजीफा निकाल लिया जाता है। कहाँ के बच्चे दिखाए जाते हैं पढ़ने वाले? बच्चे हैं ही नहीं गांव में ना कहीं, सुतना उतना पुर जलालाबाद वाले दिखा दिए जाते होंगे 10-20 बच्चे, बस वजीफा निकल जाता है। तो कहीं और चल रहा है दूसरी जगह? क्या नहीं, कहीं है ही नहीं इस नाम का कोई स्कूल सूरज वाली के नाम से। नहीं नहीं, वो करीब 10 सालें हो गई है, उसका पैसा निकल गया है। पैसा निकल गया जी? कैसे? जैसे वो चला रहे थे उन्होंने वो नाम अपने पिताजी का डलवा के वहाँ दूसरा खोला है स्कूल जलालाबाद रुस्तमपुर दिव्यापुर में। यहाँ जो चल रहा था वो तो उसका कोई नामिनेशन नहीं है। क्या मामला है? नहीं चलता ही नहीं, छात्रवृत्ति निकाल लेते लेकिन स्कूल फिर कुछ नहीं चलते। कौन सा क्या नाम है स्कूल का? सूरज बली। कब से यहाँ पर बंद है? अरे पहले भाई हुई कब पढ़ाई जब मड़ाई आने यहाँ पर नहीं थे पता नहीं होती हुई हमें कब से नहीं पढ़ाई, लेकिन जो पैसा ऐसा बाकी आओ तो अपने निकाल निकल लेता। कौन निकाल लेता है? गोपाल और कौन निकाल लेते हैं? निकाल लेता का गोपाल है कौन ये? गोपाल भाई उनके प्रधान के अधिकार हैं। तो कभी शिकायत नहीं की आपने इसके अधिकारियों से? अरे शिकायत पूरो शिकायत होती तो मतलब क्या होती शिकायत करे थे हमने। अब जगह इन्हें को बनो इन्हें मकान बनो एकदम पैसा निकाल लो थोड़ा बहुत बनाई लो और बस लो। स्कूल की बात बताओ, आप पैसा कौन निकाल लेता? पैसा गोपाल निकाल लेते, पैसा कब निकाल लेते? जिसे जिसने बनाए अधिकारियों से आप शिकायत करते हो तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी पदाधिकारी वैसे मिल जाते हमने जाते नहीं कोई। अरे शिकायत करे तो होती कागज़।